नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राधा रानी फैमिली ब्लॉग में। तो अभी ना दोपहर के और मैं ना अपने घर से झाड़ू लगा रही थी, अचानक से बारिश आ गई तो बीच में ही मैंने झाड़ू लगानी छोड़ दी। और मैं अभी आई हूँ अपने चाचा जी के यहाँ पर, तो बैठक में बैठी। अंजलि अपने घर है, अंजलि अभी कुछ काम कर रही है अंदर। हाँ, क्या है? कौन सी चीज है? रसगुल्ले है तो बताओ। कचरी है तो नहीं है। मतलब रसगुल्ले सो चीज मेरा जी कर रहा और बारिश हो रही है। आप बीच में ही बारिश आ गई थी, मैंने झाड़ू लगा दी और कपड़े मेरे तार पर फल रहे थे, झाड़ू छोड़ दी। तब पता चलेगा आपको कैसी बारिश आ रही है। मैं झाड़ू लगा रही थी और तार पर मेरे कपड़े डले हुए थे, तो अचानक से ही बारिश आ गई। मैंने बारिश में कपड़े उतारे अपने पहले, फिर झाड़ू बीच में ही रह गई बारिश में, मतलब फर्श सारा गिल्ला हो गया था झाड़ू में लगाने। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर अंजलि के पास चली जाऊँ, कुछ काम था इसके पास मेरा मुझे, तो मैं जब आई अभी वो काम कर रही है अपना, थोड़ा सा काम कर लेगी। और ये भाई है मेरा चाचा का लड़का, तो ये वहाँ पर खड़ा और मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, जब वो काम ख़त्म कर लेगी तब मैं अपना काम करवाऊँगी उससे। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 6, तो आज मैं बनाऊँगी हरी मिर्च की चटनी। तो उसके लिए मैंने हरी मिर्च ले लिया है, टमाटर ले लिया है और प्याज ले लिया है। तो इन तीनों को मिक्स करके मिक्सी में पीस लूँगी और उसके बाद जीरे में तड़का लगा दूँगी, क्योंकि शाम का टाइम है, शाम को हल्का फुल्का ही खाना खाना चाहिए। ज़्यादा भारी खाना खाने से पेट में दर्द और चुभन हो जाती है, तो शाम के टाइम हम हल्का ही खाना खाते हैं। इसलिए मैंने अपनी पसंद की चटनी बनाई है, मुझे चटनी ज़्यादा बहुत पसंद है तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ। तो अभी सारी मैंने पीस ली है ये, अब मैं इसमें ऊपर ही नमक मिर्च और मसाले डाल देती हूँ, उसके बाद तड़का लगा दूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है और ये जीरा मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको नीचे उतार कर इसमें चटनी जो हमारी पिसी हुई थी वो मैंने डाल दी है। नीचे इसलिए उतारा क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसे ही ऊपर से ही डाल दी थी तो तेल छलक गया था और वो मेरे हाथ पर गिर गया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पर छाले पड़ गए थे काफ़ी मोटे मोटे। बार का मैंने सारा कर दिया है, लाइट आ नहीं रही थी इस वजह से मैंने इस रूम को छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। इस कमरे में तो थोड़ा बहुत दिख जाता है बिना लाइट के भी। और बार का काम मैंने बना लिया है, दाल चावल बनाए हैं, मम्मी ने कढ़ाई रख दिया चूल्हे पर मावा निकालने के लिए। जन्माष्टमी तो 26 अगस्त की जन्माष्टमी है, काफ़ी सारा सामान बनाना है तो आज से ही मम्मी ने मावा निकालना शुरू कर दिया। 3 दिन में मावा भी निकल जाएगा और हम सामान भी बना देंगे। तो अभी आप दिखाती हूँ मैं आपको, मम्मी मावा निकाल रही है, चूल्हे पर ही निकाल रहे हैं मावा। तो अभी भाई ने बाइक की सर्विस करवाई है, तो अभी ये बाहर ही खड़ी है, अभी लेके आए हैं जहाँ पर सर्विस करवाई है। तो भाभी की चलने की हो गई है तैयारी बुढ़ाना अपनी सिलाई पर, और मम्मी ने कढ़ाई रख दिया है चूल्हे पर मावा निकालने के लिए। सुबह का टाइम है, 9 बजे हुए हैं सुबह के, तो जन्माष्टमी पास में ही है, आने वाली है, 26 तारीख है, इसलिए जल्दी जल्दी मावा निकाल के मिठाइयाँ बनानी है, तो उसी के लिए तैयारियां शुरू हो गई है हमारे घर में। तो आ जाइए दोस्तों, दोपहर का खाना है, मैंने लगा लिया अपना खाना, दाल चावल है, साथ में हरी मिर्च की चटनी है, दही है। तो ये सब मैंने खाना अपना यहाँ पर रख लिया है, ये देखिए। आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए मेरे साथ। तो खाना खाने के बाद ही करूँगी मैं और सब काम।
जो बाकी का बचा हुआ है वो सब, वरना और सारा काम तो हमारा हो गया है। बस बर्तन रह गया है, चूल्हा साफ करना है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। हमारा निकल चुका है, अभी से मम्मी एक बर्तन में करके रख देगी और फिर ये जो बर्तन है हमारे ये साफ हो जाएंगे। रोज 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 इतना भी निकलेगा तब भी पूरा पक जाएगा। और ये चूल्हा साफ कर दूंगी मैं, उसके बाद सारे में झाड़ू लगा दूंगी। और मौसम देखिए, मौसम बारिश का हो रहा है, पर बारिश आने की नहीं। इधर मम्मी ने अनाज डाल रखा है कबूतरों के लिए, कबूतर आते हैं ना खाने के लिए, तो चलिए मैं इसे स्लेब पर रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी। और जो हमारे हैं मतलब, अब मैं ये बर्तन साफ कर लेती हूँ, ये चावल थोड़े से चावल बचे हैं इन्हें एक बर्तन में कर दूंगी और दाल फिर ये सारे बर्तन साफ कर लूँगी। और चूल्हा भी मुझे साफ करना है, इसको साफ करके सारी राख हारे में डालकर, गरम है अभी, हारे में डाल दूँगी, ये चूल्हा भी साफ कर दूंगी, फिर झाड़ू लग जाएगी सारे में। अभी मम्मी अपनी कड़छी लगा रही है इसमें हुक्का पीने के लिए, बाद में हुक्का पिएगी कल्ली। नमक का? अच्छा, अब काफी टाइम हो गया ना इसलिए नमक का तो लगेगा ही। दो साल हो गए हमारी गाय भी आई ना है, ये चादर सही करनी है, ये छोटी चादर है ना, छोटी रह जाती है तो रोज के रोज इकट्ठा हो जाती है, इस पर काफी बड़ी काफी लंबी चौड़ी चादर आती है और वो ही सही से रहती है। चलिए दोस्तों हम अपना काम कर लेते हैं बर्तनों का और झाड़ू का। तो मावा निकालने के बाद मैंने खाना खाया था, और खाना खाने के बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और ये चूल्हा साफ करके इसकी जो गर्म राख है वो डाल दूंगी मैं हारे में। तो अभी मैंने जो बेल है हमारी इसके पत्ते थोड़े नीचे झाड़ दिए है, इसको हिला के जो सूखे सूखे पत्ते और फूल थे वो सारे नीचे गिर गए हैं, अब इनको तो मैं डाल दूंगी कूड़ेदान में, और जो चूल्हे की गर्म राख है वो हारे में गिर जाएगी, जब वो ठंडी हो जाएगी तब उसको भी हम खेत में लेके चले जाएंगे, और ये सारी राख जो बाहर निकली हुई थी चूल्हे से वो हम डाल देंगे कूड़ेदान में। फालतू राख थी ना ये, जो कूड़ा ही था जो हमने झाड़ू लगाई थी कमरों में तो उसी का ये कूड़ा था, तो वो तो सब चला जाएगा कूड़ेदान में, और राख मैंने हारे में डाल दिया, तो सुबह का काम हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, ख़त्म।